The height of a cone is 30 centimeters. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If the volume be 1 by 27 of the volume of the given cone, at what height above the base is the section? ये पहले जब बोर्ड के एग्जाम होते थे ये सवाल राइट एंगल ट्राइंगल जो डबल जनरेटेड कोन वाला था आपका दो, इसमें फ्रस्टम वाला जो कल आपने किया है तीन, और फोर्थ इसमें एक 1/9 वाला एक सवाल और है आपका नाम इसमें, यानी कि वो सवाल 8/9 वाला। ये चार में से एक सवाल आपका 6 मार्क्स का जरूर आता था। उसमें से भी हम क्या करते थे, शॉर्ट लिस्ट करते थे, दो लाते थे, दो में से एक ने आना है। ये बच्चे को यूज टू क्या कहते हैं, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। ए बी सी इज ए कोन विच हैज अ हाइट एच इज इक्वल टू अप अराउंड अबाउट दिस बाय 30 सेंटीमीटर। ये दिस इज द आर्क रेडियस है। इसके बाद अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ, ये देखिए अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप, ये देखिए अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल आपका नाम होगा दिस, यानी कि ये आपका ओ डैश हो जाएगा, दिस विल बी बी डैश, और ये आपका पैरेलल टू ऊपर का पोर्शन आपका नाम। If the volume be 1 by 27 of the volume of the given cone, अगर इसका जो volume है, इस वाले का 1 by 27 है, तो आपको ये कह रहा कि आप कह रहा हूँ, at what height, कितनी height से ये section was made, ये कितनी height से, यानी कि ये section आपका बना है, ये आपने निकालना है समय। इस सवाल में भी when I came in the beginning from Delhi, इस सवाल को सिर्फ केंद्रीय विद्यालय का एक पाठक सर थे और ईवीएम स्कूल का एक और टीचर था, वो अभी गवर्नमेंट में लग गए हैं शायद बिस्ट या क्या, वो करवाते थे, बाकी सारे इसका आंसर गलत ही लेकर के आते। नाउ एनी हाउ आपका देखो ये दिस इज द स्मॉल आर, इसको कर दीजिएगा, नाउ दिस रेडियस इज स्मॉल आर, ये आपका देखिए ना, तो ये आपके फिगर हो गए, हमको ये सेक्शन कितने आपका है ये निकालना, हमने मेड आपको निकालना है, इज दैट क्लियर, कितने ऊपर से ये ऊपर का जो मुंडी है ना छोटा कोण, ये हटा आपका नाम, इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किनारे वॉल्यूम ऑफ कोण आकर ए या बी सी, आप ठीक है आपके बिगर कोण लिख देता हूँ, या कर देता हूँ ए बी सी इज वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, एजुकेशन की गर मार करके कर दिया, शर्म भी नहीं आती है। आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं बोला होगा, पूछा होगा कि आपके मैनिफेस्टो में कहीं शिक्षा का कुछ है, कुछ केंद्र बनाया है आपने, नहीं। आपका देखो ये जो ऊपर वाले की हाइट है, देखो आपका नाती ये आपका एच वन है, लेंथ है आपका, ये आपका जो हो जाएगी। अब ये जो एच मैंने लिया है, ये एच का मतलब आपका देखो ना 30 - H1, या इसको अगर आप एच वन करते हैं, इसको अगर आपने this height is taken as your h, so your h1 is equal to 30 minus a small h, this section yahan se ye maine h kar diya sir, but now I have taken the smaller one, so now this is volume of cone a b dash c dash is equal to 1/3 pi small r square h। Third of the given According to statement, ये बोलता है कि volume of इधर से smaller cone equal to 1/27 of volume of ये larger या greater cone, आप जो भी आप इसको कहें
ये कंडीशन आपके लिख करके दी, ये मैं नहीं, ये आपके क्वेश्चन में दैट कंडीशन इज वेरी मच क्लियर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसे करो 1/27, देखिए 1/27 ऑफ वो, देखिए आपका वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन कितना है 10 पाई आर स्क्वायर, देख लीजिएगा सर, पाई विल कैंसिल बाय दिस पाई व्हेन इट विल कम इन बाय क्रॉस में, समझ गए, देख रहे हैं आप, हां सर 327 जी, 327 सर, 327 नहीं काट रहा हूं सर, अभी मैं उसको वहां लेके आ रहा हूं, देखो 27/3 आपका देखो h इज इक्वल टू ये इनटू 10 ओवर r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लुक सर ऑल्टरनेट, ये देखो ये आपका x गोइंग अप, दिस ट्रेंड इज कमिंग डाउन, आपका देखो r r स्क्वायर देखो यहां h अपनी जगह पे कम कर देगा, इज इट क्लियर, तो नाउ 9 तो देखो नाउ r स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 9h ओवर 10, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा सर, अब देखिए ये r बाय r का होल स्क्वायर आई कैन डू इट 9h ओवर 10, इसको यहां से हटा देता हूं, ये अब आपका देखो ना इट विल वर्क, अब इसमें देखिएगा जरा फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ डैश सी डैश, जरा देख लीजिएगा सर, नाउ एंगल O is equal to angle O dash, each 90 degree, 90 ये 90, उसके बाद now angle C is equal to angle C dash, corresponding angle, well two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made by them, available, ये आपका समझ गया ना, यहाँ पे आपका देखो ना O C is parallel to O dash C dash and AC is a transversal line. I said geometry wants the complete or the perfect transparency. याद रखिएगा. और angle A is equal to angle A. अपना दो. This is the common angle. For this triangle, ये वाला जो देख रहे हैं आपका, and now for this triangle A. Similarity में angle angle से भी similar हो जाते हैं. एंगल एंगल, क्योंकि देखिए जब दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ द सेकंड ट्राइंगल आपका होता है, ये मैंडेटरी है उसका, ये रूल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल ए ओ डैश सी डैश बाय एंगल एंगल लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहां पे एंगल 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 आपका सिमिलैरिटी कर दी, सिमिलर ट्राइंगल अपने यूज किया, देखो by CPST, when two triangles are similar to each other, then the corresponding part of the similar triangles, they are always in an equal ratio and proportion. तो देखो, यहाँ पे मैं आपको clear कर दिया हूँ। Larger triangle over, मैं I am doing here आपका नाम देखो smaller triangle. यहाँ पे आपका base over base is equal to height by height is equal to perpendicular over perpendicular. Hypotenuse आपका देखो, मेरा कहने का मतलब है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको पहले आई एम राइटिंग परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, इज इट हाइपोटेन्यूज ओवर, देखिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, या आप ये हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज है याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर, तो देखो ना मैथमेटिक्स में व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है हमें सिर्फ उतना ही काम करना, फालतू की उसके टांग नहीं अड़ानी है, तो लार्जर ट्राइंगल का बेस देखो ओ सी ओवर स्मॉलर ट्राइंगल का बेस ओ डैश सी डैश, कैसे करो लार्जर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आपका देखो ना एच ओवर आपका देखो ये स्मॉलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर नाम होता है एच, यानी मेरे कहने का मतलब अगर आपको यहां पे दिक्कत है तो ए ओ ओवर देखो ए ओ डैश, अब ओ सी आर ओवर आर कैसे करो एच ओवर एच, नो
It is not required the hypotenuse, so that's why I have written whichever is required. मुझे इतने मुझे बेस और परपेंडिकुलर की जरूरत थी आपके नाम तो मैंने इसलिए अपन आप देखिए मुझको तू भी लिफ्ट करा दे ऊपर वाली इक्वेशन में शिफ्ट करा दे देखिए अपन तो ना आप देखिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर ओवर आर इन इक्वेशन नंबर आपका थ्री इक्वेशन नंबर थ्री में इसको शिफ्ट कर दीजिए R over R means H over H का होल स्क्वायर कैसे करो 9H over अरे ये H means 30 that's complete height of the larger cone is 30 over H का होल स्क्वायर कैसे करो 9H over 10 it's 900 over H square कैसे करो 9H over 10. 900 into 10 over 9 into h square into h. That is called the bicross multiplication, which is known as the perfect acknowledgement. H cube is equal to 1000. So now h is equal to cube root of 1000. अब आप क्या करेंगे H is equal to आपका देखो क्यूब रूट ऑफ ये ग्रुप बना दिए क्यूब रूट क्या होता है तीन का ग्रुप पेयर नहीं अक्सर मैंने सुना है कि अच्छे अच्छे मेथड है अरे पेयर बना दो अबे दूसरे पेयर का मतलब जोड़ा होता है यहाँ पे तीन का ग्रुप बना हुआ आपका ना देखो दिस क्योंकि एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ ये भी देखो क्यूब रूट है इसके साथ से पक्के देखो 10 की पावर 3 तो ये हो गया एंड दिस क्यूब रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/3 इससे ये खलास हो गया या तीन का ग्रुप बना कर h इज इक्वल टू 10 दिस इज द इफ अगर आप देखेंगे दिस इज हाइट ऑफ ये आपका स्मॉलर कोन इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर अब वो बोल रहा था यू हैव टू फाइंड आउट o dash o आपको निकालना कि फ्रॉम एट व्हाट हाइट द सेक्शन इज मेड कह रहा है ना तो देखो दिस इज ao माइनस ao dash तो ना देखो h माइनस स्मॉल h तो o dash इज इक्वल 30 माइनस 10 इज इक्वल 20 तो ये जो छोटा वाला कोण है आपका 20 सेंटीमीटर ऊपर से आपका नाम इसको अलग किया गया आपका नाम ठीक है ना 10 सेंटीमीटर अलग करना है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से ऊपर अलग किया है इसको ये कहने का मतलब ठीक है ना तो आपका 20 सेंटीमीटर अब आप बताते 20 सेंटीमीटर About the base, the section is cut off. Okay, sir? Yes. Clear है? तो देख लीजिए सवाल. तो ये पहले 2008 तक ये board में sure आना होता था. या तो ये या इसके बाद जो 8/9 अभी करवाता हूँ आपको, please.